हाय गाइस, वेलकम टू ऑर्डर रिव्यूज। आप सब लोगों को आज एक बार फिर से स्वागत करता हूँ मेरे एक और एक नए वीडियो पर। दोस्तों, आज आप लोग देख सकते हो कि आज हमारे साथ है 2023 होंडा डीओ 125। दिस इज़ अ रेप्सोल एडिशन एंड ये हाल ही में डीओ का एक अपडेट आया था, उसमें ये रेप्सोल एडिशन को इंट्रोड्यूस किया है डीओ के 125 सीरीज पे। एंड आज हम लोग इस स्कूटर का एक फुल डिटेल रिव्यू आपको देने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो बिना समय बर्बाद किए। मेरा नाम है अरुण चौधरी, आप देख रहे हो ऑटो रिव्यूज का यूट्यूब चैनल। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको जो चीज़ हर एक वीडियो में बताता हूँ कि अगर आप लोग इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आ रहे हो, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, देन डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, देन यू डोंट मिस एनी अपडेट फ्रॉम आवर चैनल। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट। सो गाइस, हियर इज अ स्कूटर। This is the 2023 Honda Dio 125 Repsol Edition। And सबसे पहले अगर आप लोग ओवरऑल डिज़ाइन की बात करेंगे इस स्कूटर की, तो स्कूटर का डिज़ाइन जो है काफ़ी ज़्यादा एक अट्रैक्टिव एंड काफ़ी ज़्यादा एक कूल सा डिज़ाइन, स्पेशली इस एडिशन में ये स्कूटर और भी ज़्यादा खूबसूरत दिख रहा है फॉर श्योर। सबसे पहले अगर आप लोग एलिमेंट्स की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे देख सकते हो कि आपको इन द फ्रंट LED हेडलैम्प्स का एक पूरा सेटअप देखने को मिल जाता है। और अगर आप लोग इस हेडलैम्प के थ्रू की बात करेंगे तो इसका थ्रू जो है ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। एंड रात में जब आप लोग इस स्कूटर को चलाएंगे रास्तों पर, तो ये हेडलैम्प्स आपको एक बेटर विजिबिलिटी प्रोवाइड करेगा फॉर श्योर। उसके साथ यहाँ पे साइड पे देखेंगे तो साइड पे आपको इंडिकेटर्स मिलता है, इंडिकेटर्स फिनिश्ड इन हैलोजिन जो आपको यहाँ पे मिलेगा। थोड़ा सा अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको रेप्सोल एडिशन की बैजिंग और थोड़े बहुत ग्राफिक्स वगैरह ये सब कुछ भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। यहाँ पे फेंडर की तरफ देखेंगे तो फेंडर आपको ग्लॉस ब्लैक में इसका फेंडर देखने को मिलता है। और उसके साथ अगर आप लोग यहाँ पे टायर्स की तरफ देखेंगे तो इस स्कूटर पे आपको MRF का टायर देखने को मिलता है। टायर साइज़ की बात करेंगे तो 90x90 12 इंच का ट्यूबलेस टायर विथ 5 स्पोक अलॉय व्हील यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। फ्रंट ब्रेकिंग की बात करते हैं तो फ्रंट पे इसको पेटल डिस्क मिलता है। अब पेटल डिस्क का क्या एडवांटेज है मैं आपको हर एक वीडियो में बताता हूँ। जिन मोटरसाइकिल या स्कूटर से पेटल डिस्क आता है, तो पेटल डिस्क होने का एडवांटेज है कि जब आप लोग इस स्कूटर को ब्रेक करते हो तो आपके स्कूटर का जो हिट डिसिपेशन होता है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है, मतलब काफ़ी ज़्यादा कम होता है। अब यहाँ पे फ्रंट सस्पेंशन की तरफ देखेंगे तो टेलीस्कोपिक का सस्पेंशन एज यू ऑल नो कि यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पे रिफ्लेक्टर वगैरह ये सब कुछ भी देखने को मिल जाएगा। और उसके साथ अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको डे टाइम रनिंग लाइट्स मिलता है, जैसा आपको होंडा ग्राजिया में भी ऐसा सॉर्ट ऑफ डिज़ाइन आपको देखने को मिलता था 125cc में जो ग्राजिया था। अभी तो ग्राजिया डिसकंटिन्यू हो गया। एंड यहाँ पे होंडा की एक बैजिंग मिलता है, यहाँ पे ब्लैक कलर में इसका विंडशील्ड दिया गया। और यहाँ पे आपको एज यू सी की बेसिक मिरर्स, जो ब्लैक कलर का बेसिक मिरर है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। अभी हम लोग इस स्कूटर के साइड प्रोफाइल की तरफ आपको दिखाएंगे, तो साइड से जैसे आप लोग इस स्कूटर को देखते हो तो साइड से भी इस स्कूटर को एक काफ़ी ज़्यादा कूल एंड एक स्टाइलिश डिज़ाइन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करेंगे कलर ऑप्शन के बारे में, तो ये जो रेप्सोल एडिशन है ये सिर्फ अवेलेबल है एक ही कलर में, लेकिन इसका जो अदर्स वर्जन है उसका जो कलर ऑप्शन आता है वो आप लोग देख सकते हो मेरे स्क्रीन के ऊपर, मैंने हर एक कलर को मेंशन किया। एंड उसके बाद अगर आप लोग बात करेंगे स्कूटर के डायमेंशंस के बारे में, तो डायमेंशंस भी आप लोग देख सकते हो मेरे स्क्रीन के ऊपर। साइड प्रोफाइल के अगर आप लोग सबसे पहले सीट्स की तरफ देखेंगे तो सीट्स जो है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल यहाँ पे सीट्स ऑफर किया गया है। राइडर सीट की बात करो या फिर पिलियन सीट, सीट काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है। आपको लॉन्ग ट्रिप्स पर उतना ज़्यादा थकावट नहीं है, अगर मेनली स्कूटर को लेकर कोई बहुत ज़्यादा लॉन्ग ट्रिप्स करता है भी नहीं, लेकिन जब तक आप स्कूटर को चलाएंगे तो आपको उतना ज़्यादा थकावट नहीं आएगा। थोड़ा सा पीछे देखेंगे तो यहाँ पे आपको रेड कलर में इसका ग्रैब रेल देखने को मिलता है। और क्वालिटी की बात करेंगे तो क्वालिटी आपको डिसेंट टाइप का क्वालिटी यहाँ पे देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको E20 का बैजिंग देखने को मिलेगा। एज यू ऑल नो कि आप हर एक स्कूटर और मोटरसाइकिल में आपको E20 OBD2 का अपडेट देखने को मिल रहा है लास्ट 6-7 महीनों से। E20 OBD2 क्या है, 20% ऑफ इथेनॉल 80% ऑफ पेट्रोल एक्सा, एक मिक्सड अप फ्यूल, हमारे भारत देश पे बहुत जल्दी आएगा। और अगर आप वो फ्यूल हमारे इंडिया में लॉन्च, मतलब पूरे इंडिया में लॉन्च हो गया, तो ये स्कूटर्स या मोटरसाइकिल जिसमें भी E20 OBD2 का अपडेट आया है वो गाड़ी इस फ्यूल पे चलने के लिए बिल्कुल कंपैटिबल है। यहाँ पे आपको फ्यूल टैंक देखने को मिलता है। अब इस स्कूटर में आपको 5.3 लीटर्स का फ्यूल टैंक कैपेसिटी देखने को मिल जाता है। एंड यहाँ पे थोड़ा सा साइड पे अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक और एक रेप्सोल एडिशन की बैजिंग, यहाँ पे आपको डीओ 125 की बैजिंग और यहाँ पे आपको एच स्मार्ट की बैजिंग देखने को मिल जाता है। अब एच स्मार्ट क्या है मैं आपको थोड़ी देर बाद में आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पे अभी फिलहाल देख लेते हैं स्कूटर का सीट। तो यहाँ पे सीट को ओपन करके हम लोग देख लेते हैं, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि आपका एक मिड साइज़ का
हेलमेट यहाँ पे बैठ जाएगा विदाउट एनी प्रॉब्लम। उसके साथ आप कई और अपना छोटा मोटा चीज़ सामान वगैरह कागज़ वगैरह यहाँ पे रख सकते हो। यहाँ पे आपको टूल किट मेडिकल किट वगैरह मिलता है, सॉरी मेडिकल किट यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको कोई भी लाइट ऑफर नहीं किया गया, जो मुझे थोड़ा सा डिसअपॉइंट लगा। मतलब एक लाइट दे देना चाहिए था, बिकॉज एक जो बूट लैम्प होता है ना, ये अंदर के टाइम पर काफ़ी ज़्यादा काम आता है। अब यहाँ पर ये कॉस्ट कटिंग किया है होंडा ने, यहाँ पर कुछ कर नहीं सकते। थोड़ा सा अगर आप लोग नीचे देखेंगे तो यहाँ पे आपको एल्युमिनियम फिनिश में इसका पिलियन साइड फुटरेस देखने को मिलेगा। और उसके बाद अगर आप लोग यहाँ पे रियर प्रोफाइल की तरफ देखेंगे तो रियर से भी स्कूटर को एक काफ़ी ज़्यादा कूल एंड एक स्टाइलिश डिज़ाइन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। सबसे पहली बात, यहाँ पे अगर आप लोग टेल लैम्प्स की तरफ देखेंगे तो जो टेल लैम्प्स है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। एलईडी टेल लैम्प्स यहाँ पे ऑफर किया गया। साथ में इंडिकेटर्स की बात करेंगे तो इंडिकेटर्स फिनिश्ड इन हैलोजिन, जो आप लोग यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो। और उसके साथ नीचे आपको एक रिफ्लेक्टर देखने को मिलता है। अब इसके बाद अगर आप लोग यहाँ पे एग्जॉस्ट की तरफ देखेंगे तो एग्जॉस्ट आपको यहाँ पे एग्जॉस्ट डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा मुझे पसंद भी आया। एंड यहाँ पे अगर आप लोग रियर टायर की तरफ देखेंगे तो रियर पे भी इसको MRF का टायर देखने को मिलता है। टायर साइज़ की बात करेंगे तो 90/100 10 इंच का ट्यूबलेस टायर विथ 5-spoke alloy wheel यहाँ पे ऑफर किया गया। और उसके साथ अगर आप लोग यहाँ पे alloy wheels के डिज़ाइन की बात करेंगे तो सामने और पीछे, तो ये alloy wheels का डिज़ाइन है, ये आपको फुल्ली ऑरेंज कलर में देखने को मिलता है, जो मुझे थोड़ा सा स्टाइल अपडेट सोलिडेशन के हर एक मोटरसाइकिल या स्कूटर्स में आपको ऑरेंज कलर का ही alloy wheel देखने को मिलता है। एंड रियर ब्रेकिंग की बात करते हो तो रियर पे आपको 130mm का ड्रम ब्रेक देखने को मिल जाएगा। थोड़ा सा अगर आप लोग लेफ्ट साइड की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे आपको इंजन देखने को मिलता है। इंजन की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको 124cc सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन देखने को मिलता है, जिसका आप लोग पावर फिगर्स की बात करेंगे तो पावर फिगर्स आप लोग देख सकते हो मेरे स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पे स्कूटर का डबल स्टैंड देखने को मिलता है, यहाँ पे आपको सिंगल स्टैंड ऑफर किया गया। आप सिंगल स्टैंड के साथ आपको साइड स्टैंड कट ऑफ का सेंसर भी यहाँ पे देखने को मिल जाता है। एंड आप सभी लोग जानते हो कि साइड स्टैंड कट ऑफ का सेंसर अब हर एक मोटरसाइकिल स्कूटर पे आने लगा है फॉर सेफ्टी पर्पस। ये काफ़ी यूजफुल एंड एक सेफ्टी फीचर है। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छा सा स्पेस देखने को मिल रहा है। मुझे यहाँ पे कोई भी कंप्लेन नहीं है, यहाँ पे काफ़ी अच्छा खासा स्पेस ऑफर किया गया। यहाँ पे आपको शॉपिंग हुक देखने को मिलेगा, ये आप लोग देख सकते हो। यहाँ पे आपको स्टोरेज स्पेस देखने को मिल जाता है, जहाँ पे आप अपना मोबाइल वॉलेट ये सब कुछ रख सकते हो। और यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे भी आपको एक और एक शॉपिंग हुक देखने को मिल गया। थोड़ा सा अगर आप लोग राइट साइड की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे क्योंकि ये एज स्मार्ट है, इस वजह से यहाँ पे कोई भी आपको इग्निशन का सेक्शन देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे आपको नॉर्मल रिमोट की मिलता है, दो रिमोट की के ऊपर आपको दो बटन मिलता है बेसिकली ये स्कूटर को लॉक एंड अनलॉक करने के लिए। एंड ये बेसिकली पार्किंग में अगर आप भूल जाएंगे कि आपका स्कूटर कहाँ पार्किंग है तो ये बटन प्रेस करने से आपके स्कूटर का जो इंडिकेटर है वो ब्लिंकअप करना स्टार्ट हो जाएगा। अभी यहाँ पे करते थे चाबी को साइड पे। यहाँ पे अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो ये बेसिकली सेंटर पे रहता है। अनलॉक रहेगा तो ये मूव नहीं होगा, लेकिन अनलॉक की वजह से ये मूव हो रहा है, तो इसको बेसिकली प्रेस करके आप लोग इसे मूव कर सकते हो। तो ये सीट खोलने के लिए, सीट और फ्यूल टैंक खोलने के लिए। एंड उसके साथ यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको मतलब स्कूटर इग्निशन पे देने के लिए आपको यहाँ पे लाना पड़ेगा। यहाँ पे ऊपर की तरफ करेंगे तो फ्यूल लिड खुलेगा, यहाँ पे नीचे करेंगे तो सीट खुलेगा। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट द हैंडल्स एंड इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। हैंडल बार्स की तरफ देखेंगे तो स्ट्रेटन हैंडल बार यहाँ पे देखने को मिलता है, आप लोग यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो। लेफ्ट साइड कंट्रोल्स की तरफ देखेंगे तो लो बीम, हाई बीम, पास लाइट का कंट्रोल देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको टर्न इंडिकेटर्स का कंट्रोल एंड उसके नीचे आपको हॉर्न का स्विच मिलता है। हॉर्न एक बार सुन लेते हैं, हॉर्न काफ़ी ज़्यादा लाउड है। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको ऑटो स्टार्ट स्टॉप एंड सेल्फ स्टार्ट का बटन, ये दोनों बटन आपको यहाँ पे देखने को मिल गया, आप लोग यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो। एंड नाउ लेट्स टॉकिंग अबाउट द इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ऑफ दिस स्कूटर। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करेंगे तो फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है। दो स्क्रीन मिलता है, ऊपर में आपको डिजिटल स्पीडोमीटर दिखाएगा, डिजिटल टैकोमीटर दिखाएगा। यहाँ पे आपको और ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिलता है, इको लाइट वगैरह यहाँ पे देखने को मिलता है और कुछ इंडिकेशन वगैरह भी यहाँ पे देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको इंडिकेटर्स का इंडिकेशन दिखाएगा। एंड नीचे में जो डिस्प्ले है यहाँ पे आपको डिस्टेंस टू एम्प्टी दिखाता है, डिजिटल क्लॉक दिखाएगा, डिजिटल फ्यूल गॉज, यहाँ पे आपको ओडोमीटर दिखाएगा, ट्रिप मीटर दिखाएगा, यहाँ पे रियल टाइम माइलेज, एवरेज माइलेज दिखाता है और साथ में आपको रेंज यहाँ पे आपको देखने को मिल गया। नाउ लेट्स लिसन टू द एग्जॉस्ट साउंड ऑफ द स्कूटर। तो मैं आपको हर बार की तरह एक ही बात बोलना चाहूँगा कि यूज़ योर हेडफोन्स फॉर बेटर एक्सपीरियंस। तो
यही था इसका एग्जॉस्ट साउंड। आपको सुन के कैसा लगा हमें कमेंट्स में ज़रूर बताना। एंड आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। वीडियो एंड करने से पहले मैं आपको एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा कि अगर आपको एक 125 सीसी स्कूटर चाहिए बहुत ही ज़्यादा स्टाइलिश डिज़ाइन के साथ, LED सेटअप आपको यहाँ पे फ्रंट एंड बैक दोनों में देखने को मिलता है, और उसके साथ ओवरऑल जो डिज़ाइन है काफ़ी ज़्यादा एक अच्छा सा डिज़ाइन देखने को मिलता है विथ 1,15,000 के अंदर, तो आप ये स्कूटर चूज़ कर सकते हो। बिकॉज ये जो स्कूटर है आपको बहुत अच्छा एक पैकेज के साथ देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको पेटल डिस्क मिलता है, पेटल डिस्क का होने का एक एडवांटेज भी है, हेड डिस्प्लेसमेंट काफ़ी ज़्यादा कम होता है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को जल्दी से एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ इन व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड ट्विटर। कमेंट्स में हमें जरूर बताएंगे आपको ये स्कूटर कैसा लगा। हम आपके सवालों का जवाब जल्द से जल्द देने की कोशिश करेंगे। और अगर आप लोग इस चैनल पर फर्स्ट टाइम, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया देन डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपसे हमारा कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। सो थैंक यू, टेक केयर एंड ड्राइव सेफ। मिलते हैं कल फिर से एक नए वीडियो के साथ। आई होप टू सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।